हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सामने है भाई टीवीएस जुपिटर क्लासिक 110 सीसी। तो इस वीडियो में इस स्कूटर का कंप्लीट डिटेल की बात करें, इसका प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, और सबसे अच्छी बात भाई इसका लुक आप देखोगे काफी शानदार देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभिजीत मोटर खैलावाल उत्तर प्रदेश में। तो शोरूम का जो भी डिटेल रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रंट पे आपको देखने मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात करूँ भाई, इसमें आपको 110 सीसी सेगमेंट के होने के बावजूद भाई इसमें काफी अच्छी माइलेज देखने को मिल जाती है। तो भाई माइलेज की बात करोगे तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसी वक्त मैं बता दूं 60 से 65 आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा, कंपनी क्लेम कर रही है। अब इसके हर चीज हर फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं इसका, आपको देख सकते हो विंडशील्ड की बात करूं, स्मोकी कलर विंडशील्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लासिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफी स्टाइलिश काफी स्मार्ट लगता है। बाकी यहाँ पे टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा और ये आपको एलईडी टैग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके ग्लॉसी ब्लैक आपको मिरर देखने को मिल जाएंगे। और ये अपना टीवीएस देखने को मिल जाएगा, इसका स्टिकर नहीं बोलेंगे, इसका लोगो बोलेंगे भाई। और यहाँ पे टीवीएस का 5 मिलियन प्लस जुपिटर आपको इससे अलाउड कर दिए, तो इसका आप ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दिया। बाकी नंबर प्लेट देखो कुछ यहाँ पे लग जाएगा, जुपिटर यहाँ देखने को मिल जाएगा, हाइलोजन इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से देखने को मिल जाएगा हाइलोजन इंडिकेटर। और काफ़ी बल्कि सारा डिजाइन लगता है जो मतलब हाँ लगता है कि काफी स्मार्ट है। एक बार इसका इंडिकेटर ऑन करता हूँ, ऑन है ये देखो भाई। तो इंडिकेटर जलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन है। टायर मड क्लैप की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से मड क्लैप देखने को मिल जाएगा। ये कलर की बात करोगे तो ये पर्पल कलर, कौन सा पर्पल कलर है मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आपको स्पेस पर्पल कलर देखने को मिल जाएगा, तो स्पेस पर्पल कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और टायर तो मैंने बता दिया, ये आप देख सकते हो मड क्लैप काफी बेहतरीन क्वालिटी दी गई है, मेटल टाइप की फिनिश। और यहाँ पे 90-90 12 इंच के व्हील देखने को मिल जाएंगे, आगे पीछे दोनों में 12 इंच के व्हील। 130mm का डिस्क मिल जाएगा फ्रंट पे, रियर में आपको 130mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा, कोई ABS नहीं, सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा अगर बात करें तो। और वहीं बात करें इसका भाई, ये देख सकते हो काफी स्टाइलिश आपको सेटिंग कंफर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हो भाई एक काफी शानदार फ्रिज देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखोगे काफी बेहतरीन लुक के साथ क्लासिक देखने को मिल जाएगा, 110 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात की इसका बूट स्पेस, तो भाई एक बार इसको हम हो गया भाई, तो 21 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, 21 लीटर का, जहाँ OBD2 आपको देखने को मिल जाएगा। E20 पेट्रोल वाला दिखा रहा हूँ, 2023 के एकदम लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। और भाई बात करोगे यहाँ पे टैंक कैपेसिटी, इसमें 6 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। और इसका माइलेज की बात करो मैंने बता दिया, 60 से 65 इसका माइलेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सीटिंग की बात कर ही रहा हूँ, यहाँ पे पीछे लंबर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी बारीकियों का काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया, तो अच्छी चीज़ें लगती हैं। ओवरऑल बात करते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल, तो यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाऊँ एनालॉग मीटर मिल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इको मोड, पावर मोड, इंडिकेटर के लाइट और फ्यूल का देखने को मिल जाएगा, बाकी कितना चला सब कुछ फ्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से लो बीम हाई बीम का देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इंडिकेटर का, यहाँ से हॉर्न का, और बाकी यहाँ इंजन किल स्विच ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ से सेल्फ का। और एक चीज़ अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये सेल्फ का दिख रहा है, और उसके बावजूद भाई यहाँ पे आपको किक का सिस्टम भी दिया गया है। अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कभी आपका सेल्फ काम नहीं करता, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं तो आप किक लगा के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जो अच्छी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे चार्जिंग लगा के यहाँ से रख सकते हो। और यहाँ पे 3 लीटर का आप 3 kg का जो कि स्पेस दिया गया है, जो कि आप लगेज हुक जो भी बोलो यहाँ पे रख सकते हो। अगर यहाँ पे बात करूँ इसका अंडर थाई सपोर्ट सामने नी रूम की, तो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन आप अगर सोचोगे इसमें गैस लाद के लेके आना, तो कहीं ना कहीं ये इसको प्लास्टिक को इफेक्ट करेगा, तो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी लगेज के लिए यहाँ पे 3 kg का लगेज आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हो। बाकी ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, 155mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे आपको साइड इंजन कटआउट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से आपको फुटरेस्ट की बात करोगे तो प्लास्टिक के आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये रियर प्रोफाइल की बात करो तो रियर पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ से ये देख सकते हो यहाँ पे हैलोजन लाइट, LED टेल लाइट यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी नंबर प्लेट की बात करोगे, नंबर प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
अभी जल रहा है, ये देखो नंबर प्लेट यहाँ देखो मिल जाएगा। और ये आपको लेटेस्ट एडिशन दिखा रहा हूँ भाई, काफी शानदार। और टायर अब जैसा मैंने बताया 1992 इंच के व्हील मिल जाएंगे, तो ठीक है, काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे बात करो जैसे कि टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे 3-स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, और ये इसका मोटर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसके पावर की भाई 7.47 PS की पावर देखने को मिल जाएगा 7000 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे 8.4 Nm इसका टॉर्क मिल जाएगा 5500 RPM पे, जो कि बोर प्रोड्यूस करता है 53.5 Mm का बोर। और स्ट्रोक की बात करोगे 50.5 Nm का इसका स्ट्रोक मिल जाएगा। अगर बात करें जैसे कि इसका लेंथ की गाड़ी का ओवरऑल, तो इसमें 1834 Nm का इसका लेंथ मिल देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करें चौड़ाई की 650 Mm इसकी चौड़ाई है, आप देख सकते हैं। और बाकी हाइट की बात करें 1115 Mm इसका हाइट है। तो ये था इस आज के लिए वीडियो। अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है। तो भाई अगर बात करें 1,08,492 रुपीज़ ऑन रोड आपको मिल जाएगा खलीलाबाद उत्तर प्रदेश अभिजीत मोटर शोरूम पे। तो शोरूम का जो भी डिटेल रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसका टॉप स्पीड की बात करो तो 80-90 इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज के लिए वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।